हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली रेडमी ने अपने रेडमी नोट 13 प्रो 5G स्मार्टफोन को आज इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। स्पेक्स भी आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट भी आ चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। क्या कुछ आपको एक्जैक्टली में बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ कौन देखने को मिलते हैं जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के इंडियन रिटेल यूनिट के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, यहाँ पर गेन आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप है, फ्लैश है, दिखने में फोन काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेन आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। जो रेजोल्यूशन है वो आपको 1.5K का देखने को मिलता है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट में टोटल ये तीन वेरियंट में लॉन्च करा गए। 8256GB, 12256GB, डुअल सिम का सपोर्ट है, SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, साथ ही में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप यहां पर दिया गया है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको Snapdragon का 7S Gen 2 वाला एक 5G चिपसेट मिलता है जो कि 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिलता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है OIS के साथ में, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 14 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, आयर ब्लास्टर का फीचर भी दिया गया है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 5100mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करता है 67W की फास्ट चार्जिंग को एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहाँ पर आपको कंप्लीट स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के इंडियन रिटेल यूनिट में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट। जो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, इंडिया में बिना ऑफर के लॉन्च कराया गया 26,000 रुपीज में। 8256GB आपको 28,000 रुपीज का मिलता है, 12256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 30,000 रुपीज में। हाँ, ICICI बैंक अगर आपके पास में कार्ड है तो 2,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में कार्ड नहीं है, डायरेक्टली जाके परचेज करोगे, बेस्ट वेरिएंट आपको मिलेगा 26,000 रुपीज में। तो क्या ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या प्रोज है क्या कौन से? प्रोज की अगर हम बात करें, डिजाइन अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले ए बार बेजल्स वगैरह काफी कम है, जबरदस्त डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस मैं कहूंगा डिसेंट है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकता, ये प्राइस पॉइंट में बहुत बेकार भी नहीं है, इससे बेटर चिपसेट आपको मार्केट में अवेलेबल है। उसी के साथ में यहां पर आपको जो कैमराज अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, 3.5 हेडफोन जैक है, सारी चीजें। अब कमियों की बात करें तो ज्यादा कमी तो नहीं है, 3 से 4 कमियां आप कह सकते हो। सबसे पहली कमी कि यहां पर यार 2024 आ चुका है, एंड्रॉइड 14 के साथ में आना चाहिए। हाँ, मुझे पता है 3 साल का OS अपडेट है, बट स्टिल अगर एंड्रॉइड 14 के साथ में आता तो एंड्रॉइड 15, 16 एज वेल एज 17 तक के यहाँ पर ये जाता तो मेरे हिसाब से और बढ़िया 1 साल का आपको अपडेट मिल जाता। उसी के साथ में सेकंड कमी की बात करें, ये ज्यादा लोगों को तो यहाँ पर दिक्कत नहीं लाएगी, लेकिन कुछ लोगों को ला सकती है, यहाँ पर आपको SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। चलो ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं दे रहे, एटलीस्ट यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देते, तो जिसको डुअल सिम इस्तेमाल करना है वो डुअल सिम भी कर सकता था, जिसको भाई एक SD कार्ड और एक आप बोल सकते हो सिम कार्ड लगाना था वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता, तो ये चीज भी मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। तीसरी कमी की बात करें, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी है, वो है ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 24,000, क्योंकि चाइना मार्केट में ये स्मार्टफोन जो है 16-17,000 रुपए में कुछ लॉन्च हुआ था। इंडिया में चलो 5-6,000 रुपए आप बढ़ा भी देते तो 22,000 से 23,000 रुपए यहां पर इसकी प्राइस पॉइंट होनी चाहिए थी, एक्चुअल प्राइस पॉइंट की मैं बात करूं, लेकिन 26,000 रुपीज मेरे हिसाब से ओवर प्राइस हो गया है। अगर ये 24,000 रुपए में लॉन्च होता, बैंक डिस्काउंट के साथ में 22,000 रुपए में भी आता, एक किलर डील आप इसे कह सकते थे, बट 26,000 रुपए में लॉन्च हो रहा है बैंक ऑफर के साथ में, जिसके पास में कार्ड नहीं उसको वो भी नहीं मिलेगा, 24 तक के जा रहे हैं, बट 26,000 रुपीस में मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली ओवर प्राइस हो गया। Xcon की अगर हम बात करें तो ये भी पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी, 26,000 रुपए का यहाँ पर ये स्मार्टफोन है ना, आपको UFS 2.2 LPDDR4X RAM, मतलब ये जो आपको 7-8,000 रुपए के फोन में भी मिल जाता है, 26,000 रुपए में UFS 3.1 LPDDR5 RAM टाइप मेरे हिसाब से होना ही चाहिए था, तो ये चीज भी मुझे पर्सनली डिवाइस की अच्छी नहीं लगी है। तो स्मार्टफोन डेफिनेटली डिसेंट है, लेकिन मार्केट में से बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यही प्राइस पॉइंट आप IQ Neo 7 देख सकते हो Dimensity 8200 के साथ में। उसी के साथ में आपको Moto H40 Neo इससे चीपर प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है, एंड इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मेरे हिसाब से जो रहने वाला है वो है Vivo T2 Pro। जी हाँ, कर्व डिस्प्ले, इससे बेटर चिपसेट एंड सारी चीजें मिल जाती है, 24,000 रुपए में वो स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट। एंड आपका Poco X5 Pro यार, मतलब यही ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स है, 19-20 का फर्क है, एंड वो 17-18,000 रुपए में मिल जाता है, तो ये
मतलब ये फोन मैं आपको इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल अगर आपको अच्छा भी लगता है तो मैं बोलूंगा एक दो महीने का वेट करो, इसका डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप आने वाला है, तब आप इसकी तरफ देख सकते हो। बस कैसा मुझे कम सेक्शन में बताना Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के ओवरऑल फर्स्ट लुक स्पेक्स वगैरह आपको कैसे लगे, 26,000 रुपए में ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, जाओगे नहीं जाओगे इसके साथ में मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि वीडियो सुनाई होगी एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।